गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अभी हम लोग आए हुए हैं नॉलेज सिटी पार्क, जो कि हैदराबाद का एक फेमस टेक पार्क है। यहाँ पे काफ़ी सारी आईटी कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मेन कैफेटेरिया वाला सेक्शन है। साइड में आपको दिख रही है सारी फूड शॉप्स। काफी लोग वॉक कर रहे हैं लंच के बाद। यहाँ पे आगे चल रहे हैं, ये मेजर वॉकिंग एरिया है। बढ़िया मौसम हो रखा है आज। और ये काफी सुंदर सा है, बहुत ग्रीनरी है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ग्रीन सा, ऊपर ब्लू सा बिल्डिंग। वॉक करने में ना बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। इतना बड़ा है कैंपस है कि ऐसा लग रहा है कि एक स्टेडियम के चक्कर लगा रहे हैं। लोग लॉकडाउन में ये टाइम काफ़ी मिस करते थे, वर्क फ्रॉम होम में, जो ऑफिस के बाद लोग फ्रेंड्स चिट चैट करते हैं लंच के टाइम, उसका अलग ही फ़न है। और वो चीज़ वापस देके बड़ा अच्छा लग रहा है कि दुनिया बैक टू नॉर्मल हो रही है। ये पूरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं बीच में। वैसे आज काफ़ी खाली सा दिख रहा है, बट जनरली यहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है। लोग मैच वाले एरिया में बैठे होंगे, शायद मैच देख रहे होंगे। हाँ, अभी आप आगे जाओगे तो यहाँ पे हल्दीराम्स भी है। कभी कैफेटेरिया में मन ना करे तो यहाँ पे आके अपन खा सकते हैं। ये मेन एग्जिट एंट्री, जो भी बोल लो आप, मेन गेट है। हैदराबाद के टेक पार्क्स की अलग ही रौनक रहती है। मेरे ख्याल से बैंगलोर के बाद इंडिया में हैदराबाद का ही नंबर है। ये बस अपन वापस जा रहे हैं, आप दूसरी साइड का व्यू लेंगे। बीच में बारिश हो जाए तो ये बहुत हेल्प करती है ऊपर वाली। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें ये वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आ रही है, क्योंकि हमारा दूसरा ही वीडियो है ये। बट हम चाहते हैं कि जहाँ भी हम ट्रैवल करें आपको अपने साथ लेके चलें। वॉक की वॉक हो जाती है और वीडियो का वीडियो बन जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल वॉक करने लगे हैं। ये इधर यहाँ पे कराची बेकरी है, जो कि आपको पता ही होगा हैदराबाद की मोस्ट फेमस बेकरी है। इसके उस्मानिया बिस्किट ना मतलब बेस्ट होते हैं, स्पेशली एक और एक फ्रूट वाले, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। जो भी हैदराबाद आता है, अपने घर जाता है, तो यहाँ के बिस्किट ज़रूर ले जाता है। अगर आप कभी ट्रैवल करें हैदराबाद तो यहाँ के आइटम ज़रूर ट्राई करिए खाने के लिए। और ये हम आ गए, चलिए चल के थोड़ा मैच देखते हैं बिग स्क्रीन पे। ICC T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है और ये श्रीलंका बैटिंग कर रही है शायद। क्या सही व्यू आ रहा है ना ऊपर से नीचे देखने में। और ये विकेट, वाओ, सही टाइम पे आए। चला जाए, अब थोड़ा सा आगे देखें। चलो, तो ये दूसरी साइड का कैफेटेरिया आएगा अभी। पहले के मुकाबले काफ़ी कम भीड़ है,
अभी भी धीरे धीरे लोग लग रहा है बैक टू नॉर्मल आने में थोड़ा और टाइम लगेगा, अभी प्रॉपर फुल फ्लेज्ड ऑफिस खुलने में। हाइब्रिड मोड में ऐसे ही होना है अब। ये दूसरा कैफेटेरिया है, यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ये चाय वाला या चाय के लिए या फिर सैंडविचेस। चाय की तो क्या ही बात करें, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं लगती है, मैंडेटरी ड्रिंक के लिए। ये यहाँ पे साइड में इन्होंने अपने खुद के प्लांट भी लगा रखे हैं जो शायद ये ग्रो कर रहे हैं। ये दूसरा सिटिंग एरिया, ये कुछ बहुत गहरे चिंतन में लग रहे हैं इनका हाथ पीछे करके कुछ सोच रहे हैं, शायद कोई कोट फट गया इनका यहाँ पे ना ये ऐसी डिजाइन है कि बारिश होती है तो ये पानी यहीं पे गिरने लगता है। ये ऊपर की जो शेड बनाई है ना, बहुत ही गलत कंस्ट्रक्शन है जिसने भी बनाई है। ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा बैठने का एरिया है। अब हम किधर चलें? बस अब वापस चलते हैं, हो गया ऑलमोस्ट टूर सारा। ये हम दूसरी पीछे वाली एग्जिट से अब बस यहाँ से बाहर जाएंगे। ये भी थोड़ा एरिया है सिटिंग के लिए, अगर बहुत धूप हो या फिर बारिश हो रही हो तो यहाँ पे भी लोग आके बैठ के बातें बातें करते हैं। यहाँ की ग्रास तो मतलब बिल्कुल आर्टिफिशियल से भी ज़्यादा ग्रीन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।